अस्सलामु अलैकुम, वेलकम व्यूअर्स। इंग्लिश बोलचाल लेसन नंबर 8 में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज्जाक सर। हम इंग्लिश बोलचाल ग्रामर और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रे जुमले को सिलसिलेवार सीख रहे हैं। रोज़ाना का हमारा ये लेसन शुरू हुआ है। रोज़ एक लेसन हम आपको सिखाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द वर्ब। आज हम पढ़ेंगे कि फेल किसको कहते हैं। इससे पहले की वीडियो आपने अगर हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए हम अब आज देखते हैं कि वर्ब किसको कहते हैं, फेल किसको कहा जाता है और इसकी किस्में कौन सी है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब की तारीफ क्या है। जिस वर्ड से किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है उसे वर्ब कहते हैं। और एक बार मैं आपको बताता हूँ वर्ब की तारीफ क्या है कि जिस वर्ड से किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब की चार किस्में हैं। फेल की चार किस्में कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे उसकी पहली किस्म है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी फेल मुतअद्दी, ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद सेकंड नंबर है इंट्रेंसिटिव वर्ब। इंट्रेंसिटिव वर्ब यानी फेल लाजिम जो है कौन सा है, सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है लिंकिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे है लिंकिंग वर्ब यानी फेल नाकिस, लिंकिंग वर्ब, उसको उर्दू में कहा जाता है फेल नाकिस। उसके बाद नंबर फोर है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब यानी फेल माविन, जो मदद करता है। इस तरह से इसकी वर्ब की चार किस्में जो है हैं। आज हम देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमको इसको समझना, ताकि अल्फाज हम जो वर्ड लिख रहे हैं या फिर जो हम जुमला लिख रहे हैं या फिर जुमला हम कह रहे हैं उसका कुछ मानी निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब कौन से हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको सिलसिलेवार देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं। याद रखिए, जिस वर्ब के मफहूम को, वर्ब के मफहूम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ यानी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई वर्ब पूरा जुमला बना नहीं सकता, तो वर्ब के लिए एक दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत हमको पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चलिए हम कुछ सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब को जोड़कर लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करके देखते हैं, ताकि हमको समझने के लिए आसानी हो कि किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट में मैं बताता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट एंड सिंगुलर। ही, शी, इट एंड सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब लगता है इज। लिंकिंग वर्ब लगता है इज, और इज का उर्दू माना क्या होता है। इज का उर्दू माना क्या होता है। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, ही इज अ बॉय, ही क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसके साथ लिंकिंग वर्ब जुड़ा है इज। अ बॉय, वो एक लड़का है। इज यहां काम कर रहा है का। चलिए हम उसके बाद दूसरा देखते हैं सब्जेक्ट, यू, वी, दे एंड प्लूरल, यानी जमा में जो आता है, यू, वी, दे एंड प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब जो लगता है वो लगता है आर। याद रखिएगा, यू, वी, दे एंड प्लूरल, इन सारे सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब क्या लगता है, आर। और आर का माना क्या है, हैं। जैसे वी आर बॉयज, वी आर गर्ल्स, हम सब बॉयज हैं, हम सब लड़के हैं। वाहिद में हम क्या लगा रहे हैं, है, यानी इज लगा रहे हैं। उसी तरह से हम जमा में क्या लगाएंगे, हैं, यानी आर, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अपने अकेले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आई। आई जो सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखिए, आई सब्जेक्ट के लिए लिंकिंग वर्ब हमेशा एम लगता है। एम का माना क्या होता है, हूँ। एम मीन्स हूँ,
देखो मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। आई यानी मैं, एम माने हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर यानी मैं एक टीचर हूँ। इज नहीं लगा सकते हम, आई इज अ टीचर नहीं कर सकता मैं, क्यों? क्योंकि मैं टीचर है नहीं, मैं हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ये तो हुआ प्रेजेंट में, यानी जमाने हाल में ये हुआ। अब हम देखेंगे कि पास्ट में क्या लगता है। जैसे मैं पहले था, मैं टीचर था, इस तरह से हम देखेंगे। सब्जेक्ट जब आता है ही शी इट एंड सिंगुलर, ही शी इट एंड सिंगुलर, इन सारे सब्जेक्ट के साथ पास्ट में लगेगा वाज, और वाज का उर्दू माना क्या होता है? था। वाज मीन्स था। उसके बाद यू वी दे एंड प्लूरल, यू वी दे एंड प्लूरल, इसके अंदर क्या लगेगा? वर। वर का माना क्या होता है? थे। वर मीन्स थे, ये लगेगा पास्ट में। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है, हमारी मिल्कियत है, तो उसको हम किस तरह से कहेंगे कि ये चीज़ मेरे। ही शी इट एंड सिंगुलर के लिए लगेगा हैज, हैज, इसका माना क्या होता है बराए मिल्कियत, मेरे पास है। उसके बाद यू वी दे एंड प्लूरल, यू वी दे एंड प्लूरल, इसके लिए लगेगा हैव, मतलब हैं, जमा में प्लूरल में हैं, सिंगुलर में है, वाहिद के लिए है लगेगा यानी हैज, और जमा में जब रहेगा तो क्या लगेगा? हैव, इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास मिल्कियत है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।